छत्तीसगढ़ में कोरोना से मरने वालों के शवों को कूड़े की गाड़ी में ले जाने का मामला सामने आया है। वहां से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें दिख रहा है कि पीपीई किट पहने कुछ लोग शमशान घाट में कूड़ा गाड़ी से शवों को उतार रहे हैं। मामला राज्य के राजनांदगांव जिले का है। आज तक की खबर के मुताबिक राजनांदगांव जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर स्थित डोंगर गांव में कोरोना पीड़ित दो सगी बहनों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। इन 3 मौतों के अलावा डोंगर गांव के ही सरकारी अस्पताल में एक कोरोना पीड़ित व्यक्ति अपनी जान गंवा बैठा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने पुष्टि की है कि कोविड के मरीजों का ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था, इसलिए उनकी मौत हो गई। नगर पंचायत के कचरा फेंकने वाले वाहन से इन शवों को शमशान ले जाया गया। एनडीटीवी की खबर के मुताबिक जब इस बारे में सीएमओ से पूछा गया तो उनका जवाब था कि शवों को ले जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था करना नगर पंचायत का काम है। डोंगरगांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बीएमओ ने मामला सामने आने के बाद अपने आप को घर में आइसोलेट कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, जबकि उनकी कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई है। दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि रायपुर में मालवाहक ट्रकों को शव वाहन बना दिया गया है। रायपुर के मेकाहारा से इसी तरह शव अंतिम संस्कार के लिए शहर के अलग अलग हिस्सों में ले जाए गए। इलाज के अभाव या देरी से इलाज मिलने की वजह से जिन लोगों की मौत हो रही है उनके शवों के साथ भी लापरवाही भरी तस्वीरें सामने आ रही हैं। रायपुर में कई दिन से पड़े जिन शवों को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया उनमें से कुछ में कीड़े पड़ चुके थे। छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति भयावह है। रायपुर जिला सबसे अधिक प्रभावित है। यहाँ 100 लोगों की जांच करने पर 50 पॉजिटिव मिल रहे हैं। राज्य के 18 जिलों में पाबंदियों के बाद भी प्रदेश की संक्रमण दर बेतहाशा बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 46,528 टेस्ट हुए। इनमें से 14,250 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, यानी प्रत्येक 100 जांच में लगभग 31 लोग पॉजिटिव मिले। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने पीएम मोदी से सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्स का मेडिकल स्टाफ भेजने की मांग की, ताकि मरीजों की मदद हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश की हालत बेहद खराब है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाई है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी डेविड ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, लल्लन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किस्से, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको है बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही Google Play Store पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।